ये क्या है? दिखा 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 भाई, ये क्या है? Nope. भाई क्या है ये? तो माउंट वगैरह है, कहाँ है कैमरा? मैंने तुझे मना करी थी भैया मत मंगा अमेज़न से, भाई क्या है ये? मेरे भाई उसका तो चल गया, चले जैसे चलना था चैनल रोड के चक्कर में। भाई मेरा कहाँ है भाई, मेरे को मुझे नहीं पता, मुझे मेरा कैमरा चाहिए भाई। उसका तो चलो वो था यूट्यूब पे बना था हमने, तो अभी अभी स्टार्ट करा है, उसके सब्सक्राइबर थे भाई, मेरे को नहीं पता। उसका तो पैसे कम गए थे, मेरे कहाँ जाएंगे भाई, मेरे को नहीं पता मेरा कैमरा थे। चल रुक यार, मैं तेरे लिए कैमरा लेके आता हूँ। कैमरा लेके आता हूँ मतलब? अरे आप क्या कह रहे हो, तू रो रहा है मेरे सामने, मेरे को लेकर कैमरा लेके आना पड़ेगा। मैं मुझे नहीं पता मेरा कैमरा थे। अबे तूने निकाल लिया क्या इसमें से? मैं कहाँ से निकाल लूँगा, डिग्री पर बन के आऊँगा क्या? रो मत, ये लो आपका कैमरा। ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा बेटे, तूने निकाल लिया था ये कैमरा। तो गाइस देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम 6 लेजेंड आ चुका है हमारे पास। तो चलिए आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। एंड ये कुछ माउंट वगैरह आए हैं इंस्टाग्राम के साथ। GoPro ना लेने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि GoPro एक बड़ी कंपनी हो गई एंड उसके साथ माउंट्स वगैरह भी कुछ नहीं आते एंड वो एक्सपेंसिव बहुत है। तो HD कैम लेजेंड लेने का सिर्फ एक यही था। इसमें SJ 4000 भी आता है बट उसमें एक्सटर्नल माइक नहीं लगता है, इसमें सब एक्सटर्नल माइक भी सपोर्ट करता है एंड बैटरीज भी एक्सटर्नल लग सकती है इसके अंदर। इसका बैटरी चार्जर भी आता है अलग से एंड इसकी वॉच भी आती है, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसे। मैंने अभी एक्सटर्नल माइक मंगाया नहीं है, सो करके देखते हैं इसे पहले शूट, अगर माइक की ज़रूरत पड़ती है तो देते हैं। चलिए आपको इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह दिखाता हूँ। सो गाइस ये है हमारा HD कैम 6 लेजेंड एंड इसमें ड्यूल स्क्रीन दे रखी है एंड ड्यूल स्क्रीन का फ़ायदा सिर्फ यही है कि आपको इसको पता चल जाता है कि इसमें बैटरी कितनी है एंड कितनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, वीडियो कितने सेकंड की बनी। तो ड्यूल स्क्रीन का सिर्फ यही फ़ायदा है, इसमें बैटरी वगैरह सब दिखा देता है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। HD कैम लिखा हुआ है, देखिए काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। सो गाइस इसकी कुछ सेटिंग्स के देख लेते हैं कि क्या क्या सेटिंग इसमें दे रखी है हमें। फर्स्ट है रेजोल्यूशन, ये 4K 24 FPS पे रिकॉर्ड करती है, 2K 30 FPS, 1080 FPS एंड ये कुछ सेटिंग्स वगैरह है इसमें। चलिए बेस्ट चलते हैं। लूप रिकॉर्डिंग में क्या होता है, 3 मिनट 5, इसमें क्या होता है 3-3 मिनट की वीडियोज अपने आप रिकॉर्ड करता रहेगा। ये 3 मिनट की कर ली, फिर दूसरे 30 मिनट की कर ली। FOV ये होता है वाइड मिडल नैरो। वाइड में तो जो हम मोटो ब्लॉगर्स होते हैं, हम बाइक पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ये वाइड पे ही बनाते हैं। मिडल और नैरो में वीडियो छोटी हो जाती है। सो है नेक्स्ट लो लाइट मोड, इसमें ये रात में काम आती है लो लाइट मोड। WDR पता नहीं क्या है ये। जायरो सेंसर, ये जायरो स्टेबलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि वीडियो को आप रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो शेकी बनती है, तो जायरो इसे कंट्रोल करती है। ऑडियो ये तो वो नहीं रहता। वॉल्यूम 10 पे फुल वॉल्यूम ही चलेगा। टाइम स्टैम्प मैंने बंद कर रखी है, टाइम स्टैम्प इस पर ऑफ ऑन कर लूँ। वीडियो फाइल फॉर्मेट MP4 MOV। बिटरेट मीडियम ही कर रखा मैंने इसका। डबल फाइल ऑफ, डबल फाइल का क्या करना भाई, स्टोरेज फुल होगी। शार्पनेस ऑफ, वाइट बैलेंस ऑटो पे कर रखे मैंने, अपने आप एडजस्ट कर लेगा। कलर नॉर्मल है, अपने आप देख लेगा। EV मीटरिंग सेंटर, डिस्टोरेशन ऑफ एंड नेक्स्ट है सेटिंग लैंग्वेज डेट TV मोड, फास्ट रिकॉर्ड ऑफ कर रखी है मैंने। फ्रंट डिस्प्ले मेरी ऑन होगी, ओके ऑफ कैसे होगी, ऑन। ऑटो पावर ऑफ मैंने बंद कर रखी है शायद 3 मिनट में, हाँ 3 मिनट में मैंने बंद कर रखी है। स्क्रीन सेवर क्या करना है, बैटरी फूकती है इससे,
कौन से लोगो वाटरमार्क वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है, मैंने आपको बताया था ना वाईफाई से, मैं इसे मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकता हूँ कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ वाईफाई से, तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इसके बाद पहले सारी सेटिंग देख लेते हैं। पावर ऑन मोड, डिफॉल्ट सेटिंग सब नॉर्मल है भाई। तो मैं आपको इसका वाईफाई वाला सिस्टम एक बार करके दिखाता हूँ, काफ़ी अमेजिंग है वो, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फोन निकाल, अरे फोन कहाँ है, फोन में आ जाएगी। अरे भाई सैमसंग का फोन है भाई, इसमें हो जाएगी क्या? सैमसंग का कितने FPS में रिकॉर्ड करता है ये? 2 megapixel का कैमरा है इसका। हो जाएगी क्या भाई इसमें? भाई ऑडियंस का दिमाग खराब कर रहा है। हेलो ये रहा मैंने, तो मैंने पहले से डाल रखी है, इसे कैम खोला, कनेक्ट टू द कैमरा, ये हमने यहाँ से वाईफाई ऑन कर दिया। SG6 लेजेंड ए, ये वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हमारा कैमरा, कनेक्ट हुआ कैमरा, अब आप देख सकते हैं मैं इधर उधर दिखा रहा हूँ। तो गाइस इसमें मोबाइल में ये फंक्शन है कि हम इसमें ही वीडियो रिकॉर्ड का वीडियो रिकॉर्ड शुरू कर सकते हैं। इसमें अभी SD कार्ड नहीं है, यहीं से मैं कैमरे को ऑफ कर सकते हैं, इसकी सेटिंग खोल सकते हैं, क्या सेटिंग्स वगैरह हैं इसकी, पूरा कैमरा मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं हम। ये गिम्बल कंट्रोल, यहाँ पे गिम्बल अभी तो है नहीं कोई, तो गिम्बल कंट्रोल भी है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है लो बजट में। मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है, कि ये ओनली बजट कैमरा है जो एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट करता है, नहीं तो और इसमें एक SG4000 भी आता है वो एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट नहीं करता है। एंड मेरे को ये काफ़ी अच्छी लगी इसकी क्वालिटी, तो एंड जो भी हमने दिखाया है वो सब ऐसे ही है। ये पहले ही से ही मैंने इसको अनबॉक्स कर रखा था आप सबको दिखाने के लिए, मैंने इसकी दोबारा अनबॉक्सिंग करी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा रिव्यू देता हूँ कि इसमें कैसे वीडियो रिकॉर्ड होती है, क्या होता है, डे लाइट में कैसे परफॉर्मेंस है एंड नाइट में कैसी परफॉर्मेंस है इसकी, एंड देखते हैं विदाउट टाइम। मैंने तो अभी एक्सटर्नल माइक परचेज करा नहीं, अभी मैंने ऑर्डर कर रखा है, या देखते हैं वो कुछ काम करता है इसमें, क्योंकि इसमें मैंने यूट्यूब पे और भी वीडियोस वगैरह देखी थी, एक्सटर्नल माइक को अंदर माउंट फिट करने के बाद भी ये बाहर की जो इसका ये वाला स्पीकर है इससे भी ये अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है। एक्सटर्नल माइक से जो हम कैमरे में लगाते हैं वो भी रिकॉर्ड करता है और ये भी वॉइस रिकॉर्ड करता है, तो बाहर की जो नॉइस आती है वो भी पूरी रिकॉर्ड होती है। सो देखते हैं अगर इसमें अगर हमारा ऐसे काम चल जाता है तो ऐसे चलाते हैं, नहीं चलता तो एक्सटर्नल माइक परचेज करते ही हैं। एंड ज़्यादा कुछ नहीं, 1700-1800 रुपये का माइक है, और जब इतना 10,000 का कैमरा खरीदा है तो एक्सटर्नल माइक क्यों नहीं खरीदेंगे। सो चलिए वीडियो को करते हैं एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना।